हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो ये एडमिशन का जो ये नोटिफिकेशन है, ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू की तरफ से। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके बारे में पूरी डिटेल कि कब इसका एग्ज़ाम होना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या लास्ट डेट है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको एक एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पैरा में यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो ऑल ओवर कंट्री जो है वो लिया जाएगा। संडे 8 जनवरी 2023 को इसका एग्ज़ाम होना है, यानी कि पीएचडी का जो ये एंट्रेंस टेस्ट होगा ये 8 जनवरी 2023 को होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो है मास्टर्स डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50 मार्क्स इन द केस ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है तो 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप एस सी एस सी एस टी से भी हैं तो भी आपके पास 50% अगर मार्क्स हैं पीजी डिग्री में तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया और एडमिशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहां पे इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि 70% जो वेटेज होगा वो आपका टेस्ट और एंट्रेंस टेस्ट उसको आप कह सकते हैं उसके बेस पर होगा, और 30% जो वेटेज होगा वो आपका वाइवा या फिर इंटरव्यू के बेस पे आपका रहेगा, यानी कि टोटल 100% आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देन एडमिशन टू दिस प्रोग्राम विल बी एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बेस पर यहाँ पर एडमिशन लिए जाएंगे। एंड यहाँ पर आपका रेगुलेशन 2022 जो कि नोटिफिकेशन 7 नवंबर 2022 को जो है वो रिलीज किया गया था उसके बेस पर यहाँ पर एडमिशन होने वाले हैं, यानी कि एकदम लेटेस्ट रेगुलेशन पर आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो हमें 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे एंट्रेंस टेस्ट में फॉर ओपन यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए, फॉर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहां पर 45% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा ignu.ac.in, जहां पर 21 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं यानी कि कल से। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फीस अगर हम बात करें तो 1000 रुपीज़ आपकी फीस है, जिसको आप ऑनलाइन क्रेडिट डेबिट और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। 20 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, 21 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर, यानी कि आपके पास पूरा एक महीने का टाइम है। और एग्ज़ाम की डेट जैसा कि बता दिया हमने 8 जनवरी 2023 है। और बाकी अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर जो है वो पता कर सकते हैं और साथ ही मेल भी कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इग्नू की, और जब आप इस पर विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड पीएचडी और बीएससी एंट्रेंस टेस्ट 2023। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 लिंक मिलेंगे, पीएचडी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप सबसे पहले क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस आपको 2 बार एंटर करना होगा। देन यहाँ पर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ओके, पासवर्ड क्रिएट आपको करना होगा। देन आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना होगा 2 बार, और फिर यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी जो भी है वो आपको मिल जाएगा, और पूरा एप्लीकेशन नंबर आपके मेल और फ़ोन नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो डालेंगे, एंड कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे और अपना फॉर्म फिल करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो आपका पासवर्ड है वो इट मस्ट बी अल्फ़ा न्यूमेरिक, आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड होना चाहिए। इन्होंने देखिए क्लियरली बोला हुआ है यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर आपको नहीं यूज़ करना है, और 8 से 16 कैरेक्टर्स का आपका जो है वो पासवर्ड होना चाहिए। ओके, देन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब आपका फ़ोटो और सिग्नेचर है वो 100 KB से कम होना चाहिए। तो फोटो बनाने में अगर आपको कोई इशू है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर जो ये थंबनेल शो हो रहा है इस वीडियो को आप जाकर के चेकआउट कीजिए चैनल पे। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पूरा प्रोसेस उसमें मैंने बताया है कि किसी भी साइज़ का आप फ़ोटो कैसे बना सकते हैं। ओके, तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो रेगुलर पीएचडी नहीं कर पाते हैं तो डिस्टेंस मोड से वो पीएचडी करना प्रेफर करते हैं। तो ज़रूर से वो लोग अप्लाई करें और
तैयारी करें अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और दोस्तों अगर आप एंट्रेंस टेस्ट की जो है तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्टली आप जानते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट में मोस्टली रिसर्च आपसे पूछा जाता है इन सब एग्जाम्स में, क्योंकि पीएचडी का एग्ज़ाम है, इसमें रिसर्च का बहुत बड़ा मेन रोल होता है। तो अगर आप रिसर्च की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली पीएचडी या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं द इंक्लूसिव जोन चैनल पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साथ ही आप मेरे फीचर्ड चैनल सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वो चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस पूरी प्लेलिस्ट में आपको पूरा सिलेबस रिसर्च का कवर किया गया है, तो ज़रूर से विजिट करें। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।